नारायण नारायण दोस्तों, अधिक मास में श्री नारायण की चर्चा करनी चाहिए। उनके बारे में हमें एक दूसरे से बातचीत करते रहना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका होता है जब हम उनका नाम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं। उनका स्मरण करना, उनका नाम लेना भव सागर से हमें पार करा देता है। कितनी भी परेशानी में हो, ईश्वर का नाम लो तो परेशानी को झेलने की आपके अंदर शक्ति आ जाती है, और एक पॉइंट पर जाकर वो परेशानी ख़त्म भी हो जाती है। इन सब चीज़ों में विश्वास की बहुत ज़रूरत है, और हमें अपने धर्म का, हमारे जो धर्म की जिस लाइन पर हम चलते हैं, वो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको महाभारत से एक प्रसंग बता रही हूँ। महाभारत में कोई भी योद्धा या जो भी महाभारत में कौरव पांडव, तो जब अपनी बारी आती है तो इंसान भूल जाता है कि उसने भी तो धर्म को छोड़ दिया था। मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ कर्ण की। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, और दुर्योधन कभी भी सही रास्ते पर नहीं चलता था, और कर्ण ने कभी उसको मना भी नहीं करा, टोका भी नहीं, चुपचाप उसके साथ चलता रहा। तो दोस्तों, बुरा करने वाला और बुरा बोलने वाला उससे ज़्यादा अपराधी होता है उसका साथ देने वाला। क्यों नहीं उसने टोका, क्यों नहीं उसको रोका? जैसा दुर्योधन कर रहा था वैसा करता गया। तो जो मैं आपसे बता रही थी, मैं महाभारत के युद्ध का एक प्रसंग आपके सामने बता रही हूँ। युद्ध में, जब युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन कर्ण के पास पहुँचा, और कर्ण अर्जुन के सामने आमना सामना हुआ दोनों का। कर्ण अर्जुन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, तो उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तो वो उतर के अपने रथ का पहिया जमीन से निकालने लगा। उसी वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इसको मार दो। अर्जुन भी हैरानी से देखने लगे कि ये तो जमीन पर है, और युद्ध में तो ये नियम होता है कि जब तक आपके सामने वाले के हाथ में भी अस्त्र शस्त्र ना हो और आप रथ में हैं, तो सामने वाला भी रथ पर हो तभी उसको मारा जाएगा। तो जब अर्जुन के आंखों में प्रश्न देखा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम कर्ण का वध कर दो। कर्ण उस समय एकदम हैरान रह गया। उसने कहा, ये तो अधर्म है, मैं जमीन पर खड़ा हूँ, मेरे हाथ में शस्त्र भी नहीं है, ना मैं रथ पे बैठा हूँ, अर्जुन मुझ पर निहत्थे पर कैसे तीर चला सकता है? तो श्री कृष्ण ने कहा, जब अपनी बारी आती है तो धर्म अधर्म याद आता है, और जब अपनी आंखों के सामने अधर्म हो रहा होता है तो कुछ नहीं कहते। अधर्म करने वाले लोगों को जब वो किसी के साथ अधर्म कर रहे होते तो सुख प्राप्त होता है, पर जब कोई उनके साथ में अधर्म का व्यवहार करने लगे तो वो परेशान हो जाते हैं, लॉजिक्स देने लग जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि जब कौरवों और पांडवों के बीच में द्यूत क्रीड़ा यानी कि जुआ खेला जा रहा था, और उस वक्त उसमें द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था, तुम चुपचाप उस अधर्म को होते हुए देख रहे थे। कर्ण ने अपनी नजरें झुका ली, कुछ नहीं कहा, बोले, ये पांडवों ने 16 वर्ष वनवास में काटे, तुमने तब भी कुछ नहीं कहा, ये एक अधर्म का कार्य हो रहा था, तुमने उसमें भी दुर्योधन का साथ दिया। उसने कुछ नहीं कहा, उसकी नजरें नीची ही थी, क्योंकि ये उसकी गलती हुई थी। श्री कृष्ण ने उन्हें एक और बात याद दिलाई कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे और सारे योद्धाओं ने घेर कर उसको मार दिया था, तब भी आप वहीं थे कर्ण, और आपने कुछ नहीं कहा कि
किसी से एक बार भी नहीं कहा कि ये अधर्म का काम है, हमें नहीं करना चाहिए। और आज आपके साथ ये हो रहा है तो आपको अपना धर्म अधर्म याद आ रहा है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इसको छोड़ो मत, जब इसने इतने सारे अधर्म के कार्यों में साथ दिया, इसने किसी को भी मना नहीं किया, ये काम मत करो, तो इसको छोड़ो मत और इसका वध कर दो। दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिए, किसी के साथ बुरा करना बहुत बुरी बात है, पर किसी के साथ बुरा होता हुआ देखना उससे भी ज्यादा बुरी बात है। तो इसलिए किसी के अधर्म में साथ मत दीजिए, नहीं तो कर्ण की तरह हो सकता है आपको भी कहीं भुगतना पड़े। नारायण नारायण।